हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं लेसन थ्री के बारे में। ये चर्चा चालू करने के पहले मैं आपको, आज 25 दिसंबर है, इसी की वजह क्रिसमस की बधाई देता हूँ सबको। मेरी क्रिसमस, आपको इस क्रिसमस में बहुत सारा आनंद प्यार मिले और आने हुए नए साल में भी आपको हर कामना आपकी पूरी हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम वास्तुयश टीम की तरफ से आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। पिछले एपिसोड में, यानी लेसन नंबर 2 में, हम लोग ने देखा था कि नोशु ग्रिड, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आगे जाके, तो लेट अस रिवाइज दैट कि पिछले एपिसोड में क्या देखा था। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने लेसन 2 में देखा था कि ये जो नोशु ग्रिड है, जिसे हम इंडिया में लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, तो इस नोशु ग्रिड में 8 प्रकार के योग तैयार होते हैं, जिसे अष्टलक्ष्मी यंत्र बोला जा सकता है। और 8 विविध योगों के द्वारा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन समझो 492 की तैयार हो गई, वो एक योग होता है जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलते हैं। तो आदमी उसके दिमाग से, उसके होशियारे से, उसके एनालिटिकल माइंड की वजह से, ताकत की वजह से पैसा कमाता है। दूसरा जो था वो 3, 5, 7 का योग था, जिसे लोग दिल से चाहते हैं या लोग उनसे दिल से प्यार करते हैं, तो उस हिसाब से उसे पैसा मिलता है। 816 इज द प्रैक्टिकल प्लेन, जिसकी वजह से आदमी को बहुत सारी धन दौलत मिल सकती है। एक्चुअली 816, ऑल दीज 3 नंबर्स आर एक्चुअली द वेल्थ नंबर। देन वी हैड सीन लास्ट टाइम, हम लोग ने देखा था कि 4, 3, 8, ये जो खड़ा, ये जो लाइन, अगर हम वर्टिकल लाइन लेते हैं, तो ये एक योग बनता है, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन ऑफ द माइंड है, यानी जो भगवान ने दिया, आप लोगों को जो दिमाग दिया, उस दिमाग का वो आदमी कितना इस्तेमाल करता है, वो था 9, 5, 1। ये कार्यमग्नता, या हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेशन या विल पावर का योग था। फिर 2, 7, 6, ये डिसीजन मेकिंग, यानी आदमी कितने जल्दी से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, या कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत सारी टाइम अगर गवा दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होता, रादर किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो नोशु ग्रिड हम लोग ने देखी, ये एक्चुअली आइडियलिस्टिक कंडीशन है, यानी वास्तविक जीवन में इस प्रकार से सभी नंबर्स या डिजिट्स किसी के जन्म कुंडली में हो, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। और वो होना अच्छा भी है क्या बुरा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे बाजू में हम लोग ने देखा है कि सपोज किसी व्यक्ति का जन्म 26/3/1983 को अगर हुआ, तो उसका ड्राइवर नंबर 8 होता है, तो इसलिए 1 8 आएगा, तो इधर डबल 8 आएगा। एक्चुअली यहाँ इस ग्रेड में अभी तक मैं आपको ड्राइवर कंडक्टर के बारे में बताया नहीं, इसलिए मैं वो नंबर्स ले नहीं रहा हूँ, इसलिए आपको वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आगे आगे हम जो जैसे जाएंगे तो आपको पता लगेगा। अभी मैंने सिर्फ 26/3/1983 इस जन्म के अनुसार जो डिजिट्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने इस आदमी के नोशु ग्रिड के में डाले हैं। तो इसकी जन्मतिथि में 4 नहीं होने के बावजूद, इसलिए 4 वहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 3 दो बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके यहाँ मार्च में उसका जन्म हुआ, 1983 में हुआ। फिर आपको 8, 1 और 6, ये तीनों अंक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके जन्मतिथि में वो है। 5 नहीं है इसलिए 5 नहीं दिखाई दे रहा, 7 नहीं है इसलिए 7 नहीं दिखाई दे रहा है, और 4 नहीं दिखाई दे रहा। अभी एक्चुअली यानी क्या हो गया कि जो नोशु ग्रिड स्टैंडर्ड है उससे ये अलग है, तो ये भी एक असंतुलित ग्रिड है। लेकिन एक मान लो कि एक असंतुलन ही जीवन का असलियत है, दैट इज व्हाट इज द रियल लाइफ इट इज। और एक अच्छी बात ये है कि इस ग्रिड में हम लोग को ड्राइवर, यानी डे की टोटल का एकांकी अंक, यानी 2 + 6 का 1, 8 और 1 मिल सकता है।
और ये अगर हम लोग पूरी टोटल अगर करें और उसके अगर एकांकी नंबर जो आता है, सिंगल डिजिट जो नंबर आता है, उसे भी हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, वो आगे आगे हम लोग देखेंगे। तो वो दूसरा नंबर हम लोग एक ऐड कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उस नाम की वजह से भी एक नंबर प्राप्त होता है, वो भी हमें इसमें ऐड करना है। एक्चुअली तीन तीन और कुछ डिजिट्स इस पत्रिका में जुड़ सकते हैं, और फिर हमको देखना है कि कौन से योग होते हैं, कौन से नहीं होते और आगे क्या होता है। लेकिन जिस जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि ये अष्टलक्ष्मी यंत्र है और ये आठ योगों की वजह से कोई भी आदमी कामयाबी पा सकता है, तो अगर जो भी मैंने बताया वो सही है क्या नहीं है, उसी के कुछ अभी हम लोग उदाहरण लेते हैं, तो इसलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैंने बोला था वो सचमुच है हकीकत में या नहीं। जैसे अभी हम लोग दो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि एप्पल एप्पल कंप्यूटर का स्टीव जॉब्स, आई थिंक सबको पता है, ऐसा जिंदा ऐसा शायद कोई रहेगा कि जिसे स्टीव जॉब्स के बारे में वो न जानता हो। तो एप्पल कंप्यूटर्स और ये आईपैड वगैरह जो है, आईफोन्स, तो उसके पीछे जो आदमी है कार्यरत था, इज स्टीव जॉब्स। अभी वो नहीं रह गए, लेकिन उसकी अगर हम लोग जन्मतिथि देखते हैं तो वो जो उसकी जन्मतिथि है 24 फरवरी 1955। तो हमें क्या करना है कि इस बर्थ डेट में जो नंबर्स है, डिजिट्स है, उसे हमको ऊपर लेना है और हमको देखना है कि क्या क्या उसकी कुंडली, अंक कुंडली किस प्रकार से बनती है। तो आपको दिखाई देगा कि 4 और 2, इसकी वजह 4 उसके पास है, बाद में 1955 का जन्म है इसलिए 9 भी उसके पास है, फिर 2 भी उसके पास है, रादर 2 दो बार है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ कौन से डिजिट है ये दिखाने के लिए लिया। रिपीट डिजिट्स क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आपको एक 9 है इसलिए 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 6 नंबर उसे प्राप्त है। एक्चुअली बर्थ डेट में दिखता नहीं लेकिन ड्राइवर नंबर है, और एक वो अहम योग बनाता है 4, 5, 6 का, जो आपने आपने जैसे पिछले लेसन में देखा कि 4, 5, 6 इसे हम सुवर्ण योग बोलते हैं। जिसी किसी की कुंडली में वो 4, 5, 6 का योग फलित होता है तो वो आदमी उसकी उम्र 40 से 50, 50 से 60 ये 20 साल तो एकदम टॉप पे रहता है। जिस प्रकार हम लोग ने भी देखा स्टीव जॉब्स, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली स्टीव जॉब्स वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया था। एक्चुअली व्हेन ही वाज अर्लियर ही वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। एक आदमी ऐसा था कि एक जमाने में ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। यू कैन गो एंड सी दिस ऑल इन्फॉर्मेशन, आप विकीपीडिया पे देख सकते हो। फिर उन्हें उनके पास जॉब नहीं था, ही वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज डूइंग द अतारी गेम्स, वो गेम्स वगैरह बनाता था, उसे फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो इंडिया में चला आया था किसी बाबा के मिलने के लिए, तो निरंकारी बाबा और समथिंग, एंड बाद में वो हजारी बाबा आई थिंक ही डाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वेंट बैक टू USA। और वो टाइम वो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन बाद में जब भी सक्सेस मिला तो वो वापस इंडिया में नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली उन्हें कैंसर हुआ तभी वो आ गए। तो इसकी कुंडली में हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्टलक्ष्मी से 3 योग इसे दिखाई दे रहे हैं। एक तो इंटेलिजेंस का योग, सो इज गॉट अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल पावर। एक डिटर्मिनेशन का एक योग दिखाई दे रहा है, और एक 4, 5, 6 का सुवर्ण योग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने वो कामयाबी हासिल की। फिर हमको दिखाई दे रहा है 5, उसकी भी एक अहमियत है। 5 नंबर यानी सेंटर में जो बुध है, व्यापार है या कम्युनिकेशन के मीडिया में, वो एक हासिल प्राप्त होती है। इस योग के बारे में, 5 अंकों के बारे में हम विस्तार से बाद में बात करने वाले हैं। और एक चार्ट देखते हैं बाजू में, आपको दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट, अभी माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स है, इन्हें भी सारा विश्व जानता है, आई थिंक सब लोग हम लोग उन्हें जानते हैं। तो हमें अभी देखना है कि अष्टलक्ष्मी यंत्र में उनके पास कौन सा योग था। कि उनके पास भी 4, 9, 2 ये अंक है, क्योंकि उनके उनका भी कंडक्टर नंबर यानी सम टोटल करके अगर सिंगल डिजिट में आप करते हो तो वो 4 पे आ जाता है। तो वो
चार नौ दो का यानी इंटेलेक्चुअल योग, या हम लोग जो बोलते हैं साइंस ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग के लिए जो योग लगता है, वो उनके कुंडली में था। सो नेचुरली ही समथिंग रिलेटेड टू द साइंस। बाद में 9-5-1 का योग अगेन डिटर्मिनेशन पावर या विल पावर या लगन दिखाता है कि कितने लगन से, कितनी कार्यमग्नता से वो कार्य में जुटे रहते हैं। फिर एक मैं हम लोग ने जैसे बताया कि 2-5-8 ये जो योग है उसे हम रजत योग या सिल्वर लिंकेज बोलते हैं। पिछला लेसन आप फिर से एक बार देख लेना तो याद करो कि ये जो थे 2-5-8 का योग। तो ये तीन योग होने की वजह से बिल गेट्स ने जो माइक्रोसॉफ्ट, जो हर एक आदमी अभी बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उन्हें तो ये जो विंडोज या जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड्स वगैरह जो फाइल एक्सेल, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द बिल गेट्स। तो ये हम लोग ने ये दो एग्जांपल्स में ऐसा देखा कि अगर किसी भी आदमी को इंजीनियरिंग में करियर करना है तो 492 की बहुत आवश्यकता है। उसके पास दिमाग भी होना चाहिए और वो उसके पास डिटर्मिनेशन पावर भी होना चाहिए। अगर दो चीज़ें उसके पास है तो वो जरूर कामयाबी हासिल कर लेगा। तो ये दो एग्जाम्पल के बाद हम लोग और आगे जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल अभी है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है शायद बहुत सारे लोग जानते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। टेस्ला कार वगैरह जो अगर आप आपको जानते रहेंगे तो टेस्ला कार का वो जनक है। हाइपरलूप तो इंडिया में अभी बहुत सारे लोगों को पता लग गया। हाइपरलूप यानी क्या कि पुणे से मुंबई या दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली मुंबई मुंबई डिस्टेंस अगर वो हाइपरलूप की द्वारा आप क्रॉस करते हो, एक ट्रेन जैसा है, तो हाइपरलूप की वजह से आप आधे घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं, या पुणे मुंबई डिस्टेंस जो अभी 3-4 घंटों का सफर होता है ट्रेन का, वो सिर्फ 10-12 मिनट में खत्म हो सकता है। यानी इतना फास्ट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। सो ये हाइपरलूप के जो जनक है, या अभी बड़े बड़े टनलिंग की भी जनक है, वो है इलॉन मस्क। ये अभी वर्ल्ड के नंबर 15 है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जब अगर चेक करने की अगर आवश्यकता है तो आप विकिपीडिया पे जाओ, वहाँ पे आप वो चेक करो तो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपको दिखाई देगी। बाद में ये आदमी खुद के पास इतना पैसा है उसके कि वो मार्स पर मंगल के ऊपर वो यान वगैरह भेजता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इलॉन मस्क, ये जो आदमी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये भी पता नहीं है, लेकिन राइट नाउ ही इज वर्किंग ऑन दैट। और आप उसका चार्ट भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो इंटेलिजेंस बोलते हैं वो 492 का दिमागी इंटेलिजेंस वो नहीं है। ही रियली व्हाट ही इज वर्किंग एंड ही वॉन्ट्स टू प्रमोट, और ये आगे की जो अभी हमारे बच्चे लोग या उनके बच्चे लोग आगे जो जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन, वो सब लोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी अहमियत रहने वाले, जैसे कंप्यूटर आईटी को हम लोग ने देखा अभी का युग में उस प्रकार से, या पहले जैसे देखो इंडस्ट्रीज थी वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में थी। बाद में का जो युग आया उसमें कंप्यूटर आईटी वगैरह का युग आ गया, और अभी का ये जो फर्दर आगे आने वाला युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा जिसपे ये इलॉन मस्क काम करता है। सो आपने देखा रहेगा कि उसके कुंडली में 2-7-6 का योग है जो डिसीजन मेकिंग का योग है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं कि जिनकी डिसीजन करेक्ट होती है। और एक दूसरी चीज या ध्यान में रखो कि 2-7-6 का योग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, तो 2 यानी चंद्रमा जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, और 7 यानी केतु जो मैंने बताया आपको कि वो एक्चुअली दैत्य गुरु है, वो वेल्थ के भी गुरु है, तो उस पैसे के गुरु है। 6 इज द वेल्थ। तो अगर आपका डिसीजन इसमें कुछ गलत हो जाता है तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के पास वही पावर है कि क्योंकि वो 2-7 उसके पास है। सो ही इज एक्चुअली द डिसीजन मेकिंग में गुरु, कौन सी चीज करनी और कैसी करनी और कितना फाइनेंस लगाना वो उसे वो जानते हैं। उसकी वजह से ही इज नंबर 15 राइट नाउ इन द वर्ल्ड।
अमीर लोगों की यादी में, उस प्रकार आप देखते हैं। और एक योग इसकी कुंडली में वो 816 का, 816 इज एक्चुअली एज ए वो सेइंग, पहले भी मैंने बताया कि ये जो योग है वो एक्चुअली है पैसे का, बिकॉज 8 इज द मनी विच इज परमानेंट यानी फिक्स्ड एसेट, जैसे कि आपका घर जो या प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं उस प्रकार की ये दिखाता है। 1 8 यानी, और एक जो है अंक वो यानी किंग, जैसे आपके पास सब टाइप के लोग रहेंगे, आपके दास दासी काम करने वाले नौकर चाकर, एक राजा की जैसे आपकी जिंदगी रहेगी, और 6 यानी आपको ऐशो आराम का जिंदगी मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि इलॉन मस्क ही इज अ डिसीजन मेकिंग किंग, व्हाट आई कैन से, बिकॉज ऑफ 2 7 6। तो अभी हम लोग ने देखा कि इलॉन मस्क के पास अष्टलक्ष्मी में से केवल दो योग है, लेकिन उस दो योगों की वजह से भी वो दुनिया में इतना अमीर हुआ है। अभी अगला एग्जाम्पल है गूगल के को फाउंडर, यानी जो गूगल, अभी तो गूगल क्या है वो तो अभी मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सर्च इंजिन है जिसपे आप हर रोज जाते हो, आज करोड़ों ने तो अब जो के भी ऊपर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिले और मिलियन बिलियन पीपल आर एवरी डे दे आर क्लिकिंग ऑन द गूगल, और गूगल के द्वारा आप ये सब दुनिया के पास पहुंच जाते हो। सो गूगल आप लोग जानते हो कि जिसका फाउंडर है वो लैरी पेज, एक वन ऑफ द पर्सन इज देयर, उसकी जन्म तिथि है 26/3/1973। अभी अगर देखते हो तो उसका ड्राइवर नंबर 8 बन जाता है, और कंडक्टर नंबर यानी सम टोटल ऑफ द एंटायर बर्थ डेट यानी 8+3 यानी 11, 11 यानी 2, और 1973 के यानी 10+10 यानी 2, तो ये 4 बन जाता है। तो सिंस ही इज अ साइंस रिलेटेड पर्सन, देखो फिर से वो 492 का योग जागृत हुआ। तो 492 को हम लोग को टॉप में योग दिखाई दे रहा है, बाद में हमको 816 का भी योग दिखाई दे रहा है, और यहाँ आप लोग देखेंगे तो 333 दिखाई दे रहा है। जैसे ही जैसे पहले हम लोग ने देखा कि बाजू के चार्ट पे इलॉन मस्क ये वित्त मंत्री या पैसे के बारे में वो गुरु है, उस प्रकार से नॉलेज के गुरु अगर कोई रहेंगे तो गूगल के ये लैरी पेज है, यानी बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बोलेंगे महागुरु है। बिकॉज गुरु और गुरु जब ये रिपीट होता है तो क्या होता है, गुरु गुरु को यानी एक ज्ञानी आदमी का और ज्ञान से खुद को परफेक्शन की तरफ लेके जाने को प्रयास करता है, इसकी वजह से वो एक महागुरु बन जाता है। दैट इज वाई अगर आज हम लोग को कोई भी अगर हमारे को क्वेश्चन आ गया, भले वो इंजीनियरिंग का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, या रास्ता ढूंढना हो कि यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ पे हमको ये मिलेगा, या मंदिर मिलेगा, या मस्जिद मिलेगी, या कहाँ पे मुझे खाना मिलेगा, होटल मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं गूगल मैप्स पे जाते हैं। तो किसी भी समस्या का आंसर आज हमें गूगल पे मिलता है, यानी गूगल कौन हो गया, गूगल हैज बिकम गुरु, बिकॉज गुरु गिव्स यू द मार्ग। गूगल के पास सबके आंसर्स है, सभी प्रश्नों के उत्तर है, भले वो मेडिकल साइंस के हो, इंजीनियरिंग के हो, आर्ट्स के हो, स्कूल के हो, ड्रामा के हो, स्पोर्ट्स के बारे में हो, सबकी जानकारी कौन रखता है, तो वो और आंसर दे सकता है तो गुरु ही दे सकता है नॉलेज। इसलिए देखो 333 नंबर उसके पास है, इसीलिए ये आदमी गूगल का फाउंडर मेंबर हो गया। तो दोस्तों मैं जो आपको न्यूमरोलॉजी बता रहा हूँ वो एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजी है, इसे आपको कोई प्रूव डिस्प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी है वो आपके सामने है। और आगे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो लेट अस गो अहेड। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अमेजोन, जैसे अभी अमेजोन भी सब लोग जानते हैं अमेजोन क्या है, फिर से मेरे को वो अमेजोन क्या है, अभी इंडिया में भी अमेजोन का इतना राज्य है कि आपको कुछ खरीदी करना है, कुछ लेना है कुछ, तो आप अमेजोन पे जाते हो और खरीदी करते हो। अभी फ्लिपकार्ट और बाकी के भी कंपनी आ गए, लेकिन अमेजोन का पहले से भी बड़ा नाम है, और उसके जो फाउंडर है वो है जेफ बेजोस। ये अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए थे, ये नंबर 1, फिर थोड़ा नीचे आ गए, लेकिन फिर से वो ऊपर पे है। सो इज ए वेरी फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल और ऊपर के नंबर पे अभी पहुंचे हैं।
वाय अगर अभी वो देखते तो उनके पास भी क्या है, 4-9-2 का योग है। देखो अगर ये अगेन यही साइंस या इंजीनियरिंग में जब भी आदमी काम करता है तो 4-9-2 की आवश्यकता होती है, ये मैं बार बार बताता हूँ और वही आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्या आदमी 6-6 है, यानी क्या 6 यानी वह शुक्र यानी लग्जरियस थिंग्स आइटम्स जो हम लोग गूगल पे जाके अमेजोन पे जाके फाइनली गूगल से मे बी वी आर गोइंग ऑन द दिस थिंग सर्फिंग करके अमेजोन पे जाके अमेजोन की वेबसाइट से हम लोग ये कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ही हैज गॉट 6-6 यानी विनस यानी यू नो जो महंगी चीज हमको लेनी है जो जो भी कुछ खरीदना है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। तो देखो कि आपको अभी पता लगा कि ये आदमी के पास किस प्रकार से दौलत आएगी, तो उसका दिमाग इस प्रकार चलेगा कि वो ऐसी कोई कंपनी निकालेगा जिसके द्वारा वो ये सब कपड़ों का या जो भी चीजें बोलो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोलो जो भी है ये बचा बे, बे, ये उनका सेल करके उनकी खरीदारी है और सेल बिजनेस करके वो पैसा कमाएगा। बाद में हमको दिख रहा है बाजू में, देखो बाजू में क्या है, वो जो कुंडली दिखाई दे रही है वो इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट की है। अभी ये वॉरेन बफेट कौन है, तो वॉरेन बफेट इज द रिचेस्ट पर्सन, अगेन वन ऑफ द फर्स्ट लिस्ट पे एक टॉप मोस्ट रिच पर्सन है जिसे इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है। अभी उनकी कुंडली में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 8-1-6 का योग दिखाई दे रहा है। देखो यानी उनके पास भी एक फिक्स एसेट्स है, घर वीर ये वो प्रॉपर्टीज आर देयर, राजा की जैसी जिंदगी आपने उन्होंने जी है। ही इज 1930 बॉर्न सो इज क्वाइट ओल्ड नाउ बिकॉज 70 हो गया तो 2000 तो इज नाउ ऑलमोस्ट 88 ईयर्स ओल्ड, बट स्टिल ही इज सो मेनी ईयर्स ही इज हैविंग दिस वेल्थ इंटैक्ट क्योंकि 8-1-6 का योग है उनकी कुंडली में। और सबसे अहमियत वाला योग है जिसी की वजह से उसे गुरु बोला जाता है इन्वेस्टमेंट का, ही नोज हाउ टू इन्वेस्ट हाउ टू मेक द मनी। तो वो जो है 3 यानी 3 फिर से मैं बताता हूँ, गुरु यानी जो ज्ञान का जो चालक है गुरु है, उसे गुरु को फिर से और एक गुरु मिल गया तो महागुरु बन गया, यानी बिकॉज ऑफ दैट ही इज अ परफेक्ट गुरु इन मेकिंग द वेल्थ। और इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट गुरु बोल के वॉरेन बफे का पूरे विश्व में अच्छी तरह से नाम लिया जाता है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारे लोग ऊपर जा नीचे होते हैं, आप लोग ने भी देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग जो इन्होंने गाड़ी या बंगला वगैरह बेच के उन्होंने रस्ते पे आने की भी नौबत आई है। तो इस प्रकार के डेंजरस फाइनेंशियल्स में काम करके इतने साल वहीं रहने के लिए कुछ ना कुछ तो ज्ञान होने की जो आवश्यकता है, और वो जो फंडामेंटल बेसिक नॉलेज है वो उनके पास है बिकॉज ऑफ 3। तो अभी और आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट चार्ट में हम देखेंगे आमिर खान। अभी तक हम लोग ने जो 6 उदाहरण देखे वो सब फॉरेन के लोगों के देखे, जब तक हम इंडियन लोगों के लिए बात नहीं करेंगे तो शायद हम लोग सोचेंगे कि यार ये सब उनके लिए है क्या, हमारे पास भी कोई इंडिया में भी कोई है कि जिसके पास ये योग है। तो बहुत सारे योग है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा हटके इंजीनियरिंग से हटना चाहता था और मैं थोड़ा फिल्मों में आ गया क्योंकि 4-9-2 का योग जो मैं बार बार बोल रहा था वो इंजीनियर्स के बारे में है। अभी हम लोग इंजीनियर्स को छोड़ के हम फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या आपको दिखाई दे रहा, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं आमिर खान। तो बहुत सारे लोग आमिर खान के चाहते हैं इंडिया में और ये पूरे वर्ल्ड में है रादर। तो अभी आमिर खान की जन्मतिथि है 14 मार्च 1965, तो उसका ड्राइवर नंबर बनता है 5 और कंडक्टर नंबर यानी सब टोटल अगर हम लोग करते तो 5+3=8 होता है, और 1965 यानी 9 और 1=10 और 11 = 21 होता है यानी 3, तो कंडक्टर नंबर बिकम्स 11। अभी फिर से मैं बताता हूँ कि जैसे कंडक्टर जो भी 11 होता है सो डैट इज अ वेरी कार्मिक नंबर, यानी वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से उन्हें वो प्राप्त हुआ है, यानी उन्हें इस मकाम पे पहुंचना है। क्योंकि कंडक्टर क्या देता है, आपको एक एंड डेस्टिनेशन देता है कि इस आदमी को कहाँ जाना है।
मंजिल बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि वो 11 नंबर है, उसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से है, अच्छे कर्म शायद उन्होंने किए थे। लेकिन अभी हम लोग योग देख रहे हैं तो फिर से आपको हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी कुंडली में 4, 5, 6 जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक सुवर्ण योग है, तो वो सुवर्ण योग उनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 9, 5, 1 ये जो डिटर्मिनेशन का योग है, यानी काम करते रहना का, कंटिन्यूसली वर्किंग, सो दैट योग इज ऑल्सो देयर। एंड 5, सी ये सब मीडियाज में कम्युनिकेशन, ये जो और सक्सेस फाइनेंशियल विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द 5, ये 2, 5, 5 होने की वजह से उन्हें वो भी कामयाबी हासिल होने के लिए मदद कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि आमिरगान की कुंडली में ये 3 योग है और उसी की वजह से ये इन्होंने इतनी सारे दौलत हासिल की। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बाजू में, क्योंकि अभी आमिर खान आया तो दूसरा खान है शाहरुख खान, यस SRK, बॉलीवुड किंग। ओके, तो बॉलीवुड किंग के पास क्या है, तो शाहरुख खान का जन्म हुआ है 2/11/1965 यानी 65 में। तो उनके इसमें देखे, अगर हम लोग देखेंगे तो उनका कंडक्टर नंबर बनता है 2 और 2 4 और ये हो गए 3 तो 7। तो अभी उनकी कुंडली में 2, 7, 6 और 9, 5, 1 ये 2 योग बने बनाने हुए दिखते हैं। शाहरुख खान तो कोई इंजीनियर वगैरह नहीं है, इसलिए 4, 3, 4, 9, 2 वगैरह ऐसा योग नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग को 2 खड़े योग दिखाई दे रहे हैं, उसमें से अभी तक शाहरुख खान काम करते आया हुआ है, इसके पास मेहनत करने की एक क्षमता है, डिटर्मिनेशन या विल पावर जबरदस्त है, जिसकी वजह से 9-5 योग की वजह से उसके उसे वो प्राप्त हुई है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज 2, 7, 6 जो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7, 6 यानी विनस जो आर्ट कला विला दिखाता है, 7 यानी मैंने जैसे बताया दैत्य गुरु, तो ये फिल्मों का गुरु है और ये डिसीजन के लिए, तो ये डिसीजन मेकिंग की जो लाइन है, ये जो योग है, देखो फिल्म इंडस्ट्री में तो डिसीजन लेना, सही टाइम पे डिसीजन लेना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं कि जिनके पास अच्छी फिल्म आई लेकिन वो बोले अरे यार नहीं मैं मेरे को नहीं ये काम करने का मैं, और उन्होंने वो ठुकरा दी और बाद में वो फिल्म सुपर हिट हो गई। या बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं कि उन्होंने वो फिल्म नहीं लेनी चाहिए थी लेकिन वो ले ली और फिर बहुत सारे पिट गए। तो फिल्मों में पैसा डालना ये बहुत 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 रिस्की है, भले आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, लेकिन इसमें पैसा फिल्म इंडस्ट्री में डालना और उससे प्राप्ति करना वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए आपका डिसीजंस एवरी टाइम परफेक्ट आना चाहिए। और ये सब लोग भले खुद की प्रोडक्शन कंपनी रखते हैं, 2, 7, 6 जो योग है उसकी हर टाइम डिसीजंस अच्छे होने की वजह से, राइट टाइम ही हैज टेकन राइट डिसीजन, एंड बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन मेकिंग पावर, कि कौन सी मूवी में मैं काम करूँ, कौन सा मूवी में ये करूँ, कब रिलीज करूँ, किस प्रकार की स्टोरी होनी चाहिए, ये सब वो उन्होंने जो उन्होंने हासिलता प्राप्त की उसमें सक्सेस प्राप्त किया, ये 2, 7, 6 की वजह से किया। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि ये सब जो योग है अष्टयोग, उसके जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहता था, इसीलिए आज का ये प्रयास था कि आप ये सब एग्जाम्पल समझ में लो, कि विदाउट दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ न्यूमरोलॉजी। तो ये इतना सिंपल है लेकिन आपको जैसे पता लगा कि आप खुद के कुंडली में देखो कि मेरे खुद के कुंडली में कौन से योग है, मेरे कौन से डिजिट मेरे जन्मतिथि में बैठते हैं और उसकी वजह से मैं किस दिशा में जाऊं तो मुझे कामयाबी हासिल होगी। अगर मेरे पास 2, 7, 6 के योग नहीं है तो मैं फिल्म इंडस्ट्री या इसमें मैं जाना ही नहीं चाहिए। तो आपको देखना चाहिए कि अगर कम से कम शुक्र तो होना चाहिए, नहीं तो आर्ट या क्रिएटिव आर्ट्स या बोलते आर्किटेक्चरल साइंस या मे बी ड्रामेटिक्स, उस फील्ड में जाने के लिए शुक्र की बहुत आवश्यकता है। तो आपको वही देखना है, आगे आगे हम लोग ये जरूर देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आप आपसे एक गुजारिश है कि
इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया रहेगा तो। और जो व्यूवर्स अभी इस पे चैनल पे जुड़ गए हैं उन्होंने पहले एपिसोड्स भी देखो तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता लगेगा कि कौन से योग में इस लेसन 3 में आपको बताया विस्तार से। तो प्लीज गो एंड सी द लेसन 2 ऑल्सो। और जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर्स है तो उस नंबर पर वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल लिख सकते हो या ऊपर के नंबर्स पे मैं आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है आपको अगर